right, I'ma do you right. सो हे गेमर्स गाइस, मेरा नाम है एंड आप देख रहे हो प्रोनेशन। सो गाइस, फाइनली गेम के अंदर अपडेट आ चुका है। तो गाइस, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहना। तो देख सकते हो आप सामने की पूरी लोडिंग स्क्रीन से लेकर सारे बैनर सब कुछ चेंज हो चुके हैं। गेम में काफी कुछ चेंज हुआ है एंड बहुत कुछ चेंज नहीं भी हुआ है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, काफी ज्यादा मजा आने वाला है। एंड मैं आपको सारे के सारे अपडेट्स के बारे में बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा। तो हो सकता है यार वीडियो लंबी हो जाए, मतलब ऑब्वियसली बात है वीडियो लंबी है काफी। तो प्लीज यार थोड़ा सा टाइम इस पे दो और इसको वीडियो को पूरा लास्ट तक देखो, ठीक है? तो आपको काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि काफी बार होता है कि आप लोगों को समझ नहीं आता क्या कुछ और नया नया आया है। आप ऐसे सामने आप देखिए, आपको समझ नहीं आएगा, बट आपको मैं बताता हूं क्या कुछ नया है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या कुछ है। तो देखो, यहां सामने मिल रहा है 25 फरवरी से 3 मार्च तक एक टॉप अप रिवॉर्ड चलेगा, जिसमें हम लोग को नई कैरेक्टर मिलेगी जिसका नाम है स्टीफी। स्टीफी के बारे में मैंने आपको पहले ही बता रखा है एडवांस सर्वर वाली वीडियो में, तो नया कैरेक्टर आ चुका है। इसके अलावा गाइस, अगर आपको एक कैरेक्टर चाहिए तो आपको 500 डायमंड का टॉप अप करना पड़ेगा, मतलब 400 रुपए का, जो ज्यादा नहीं होते। 400 रुपए का टॉप अप करने पर गाइस आपको ये कैरेक्टर बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, इसका बंडल भी मिल जाएगा। तो फटाक से गाइस जाके टॉप अप कर लेना। 100 डायमंड पे एक बैकपैक की स्किन है, इसके अलावा 300 डायमंड टॉप अप रिवॉर्ड पे गाइस एक सर्फबोर्ड की स्किन, एंड बैकपैक की स्किन भी लिटरली काफी अच्छी है। उसके अलावा गाइस हम लोग यहां पे देख सकते हो सामने एक नया इनक्यूबेटर का भी बैनर दिख रहा है जिसका नाम है हैम ऑफ डेविल। तो ये काफी तगड़ा इनक्यूबेटर भी आ रखा है गाइस। इसके अलावा यहां पे बाकी सारे पुराने वाले ही हैं। यहां पे कलहारी पैचेस यहां पे दिख रहा है, मतलब कलहारी मैप जो है हम लोग का, इसमें गाइस क्या कुछ हुआ है कि यहां पे पूरा का पूरा कलहारी मैप अब अवेलेबल हो गया। पहले थोड़ा सा था बट अब पूरा हो चुका है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप खेलते हो तो यहाँ पे आपको लीजेंडरी गन के वेपन के बॉक्स भी मिलेंगे। इसके अलावा कैली जो है ना, कैली में भी चेंजेस आए हैं। तो कैली के बारे में मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा, जो कैरेक्टर वाली वीडियो होगी सेपरेट कैली के ऊपर, ठीक है? इस वीडियो में मैं कैली के बारे में बिल्कुल बात नहीं करूंगा, वरना आप लोग कन्फ्यूज हो गए कैली में क्या कुछ चेंज है बताओ, क्योंकि जस्ट सामने अभी अपडेट आया, मैंने गेम ऑन किया। तो आपको यार मैं बताऊंगा क्या बताऊंगा, पहले मेरे को खुद देखना पड़ेगा। तो चलो यार, मैं आपको जो जो बताऊंगा वीडियो को लास्ट तक देखते रहो, और अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक मार दो, फटाक से गाइस वीडियो को लाइक कर दो। इसके अलावा गाइस अभी हम लोग सामने बात कर रहे थे क्या कुछ है, तो देखो यहां पे जैसे ही स्टार्ट होता है तो सबसे पहले हम लोग का मिशंस वाला सेक्शन है। यहां पे ऊपर के साइड अगर आप ध्यान दोगे तो जो ऊपर वाली रो है, मतलब एकदम ऊपर आप देख लो अपर कॉर्नर, तो वहां पे गाइस देख सकते हो शेडोज ऐड कर दिए गए हैं, जो थोड़ा सा मतलब अलग सा फील देता है। पहले से थोड़ा सा चेंज है, ज्यादा कुछ नहीं, बस शेडोज ऐड हो गए ऊपर की तरफ से, ठीक? तो ये काफी अच्छा लुक प्रोवाइड करता है गेम पे। इसके अलावा गाइस यहां पे बाकी सब पुराना पहले ही वाला है, मतलब ज्यादा कुछ नया नहीं है। देख सकते हो यहां पे सब कुछ पहले जैसा ही है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। अभी गाइस यहां पे देख सकते हो लॉबी हम लोग का बिल्कुल, जो गेम लॉबी है बिल्कुल चेंज हो चुकी है। इसके अलावा जो हम लोग का फ्रेंड वाला सेक्शन है वो भी चेंज हो चुका है। देख सकते हो गाइस यहां पे फ्रेंड का ऑप्शन अब कुछ इस तरह से आता है, मतलब फुल स्क्रीन में आएगा। इसके अलावा गाइस यहां पे प्लेटफॉर्म फ्रेंड्स गाइस आपको जस्ट उसके नीचे देखने को मिलेगा। उसके अलावा अगर आपको किसी को ऐड करना है तो ऐड वाले सेक्शन में जाना पड़ेगा आपको, ठीक है? वहां पे जाके आप चाहो तो किसी को ऐड कर सकते हो या फिर नहीं भी, आपकी मर्जी। तो इसके अलावा सबसे लास्ट में आपको फॉलोइंग का ऑप्शन मिलेगा, तो देख सकते हो ऐड वाले सेक्शन में कुछ इस तरह का दिखेगा। अगर आप ऐड करना चाहते हो कर सकते हो, आई डोंट नो यहां पे रिक्वेस्ट वाला ऑप्शन कहां चला गया, बट जहां पर कहीं भी आप कमेंट करके बताना। इसके अलावा गाइस आप चाहो तो गाइस अभी के अभी वो अपना मतलब अपना कस्टम एक्सपेंशन पैक डाउनलोड कर लेना, ठीक है? अभी के अभी अगर आपने नहीं कर रखा है तो आप एक्सपेंशन पैक डाउनलोड कर सकते हो। एंड गाइस यहां पे देख सकते हो ये जो गेम लॉबी है काफी अच्छी दिख रही है, ठीक है? और उसके अलावा देख सकते हो अभी तो मैं डुओ कर रखा हूं ऊपर वाले सेक्शन में। अगर आप देखोगे फ्री फायर के बगल में, तो मैंने आपको फ्रेंड्स वाला दिखा दिया। इसके अलावा गाइस यहां पे आपको देखने को मिलेगा एक मेल का ऑप्शन, मतलब जो मेल वाला है, मेल का भी यहां पे नया ऑप्शन आ चुका है। तो ये पहले जैसा ही है, मतलब ज्यादा कुछ इसमें चेंजेस नहीं हुए। सेटिंग की बात करें अगर, तो देख सकते हो गाइस सेटिंग जो है हम लोग का वो कुछ इस तरह का दिखेगा। सेटिंग में अगर बात करें तो यार यहां पे एक नया चीज आया गाइस, यहां पे आया है ऑटो स्केल जो ऑफ है अभी हाल फिलहाल, आई डोंट नो ये क्या है। तो आप कमेंट करके बताना कि ये ऑटो स्केल का यूज क्या है, मतलब इसको कैसे यूज करते हैं, ठीक है? अगर आपको जाना है तो आप कमेंट भी करो, और गाइस बाकी लोग भी कमेंट चेक किया करो यार, बिकॉज यार उसमें काफी सारी इन्फॉर्मेशन होती है जिससे आपका भला होगा, ऑब्वियसली बात है, तो जाकर चेक करना। इसके अलावा मेरे को यहाँ पे सेटिंग में कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे, तो यहाँ पे मैं आपको पहले ही बता देता हूँ सेटिंग में कोई चेंजेस यहाँ पे खास मेजर चेंजेस नहीं है। इसके अलावा बात करते हैं गाइस यहाँ पे फ्रेंड का लीडर बोर्ड है, फ्रेंड्स के नीचे जहाँ पे फ्रेंड सेक्शन होता है वहाँ पे लीडर बोर्ड ऐड कर दिया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हो लीडर बोर्ड में ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। यहाँ पे चैंपियन लीग करके आ गया है, तो यहाँ पे जो प्रीवियस चैंपियन लीग हुआ था उसमें गाइस जो सबसे नंबर वन टीम थी वो टीम से यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। और मैंने तो यार पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो मेरा टॉप 99% पे दिख रहा है। बाय द वे यार यहाँ पे सेकंड नंबर पे ऑप्शन जो आता है वो है गाइस हम लोग का इवेंट का, ठीक है? जो यहाँ पे आपको कप दिख रहा है राइट साइड में, ठीक है, उसके जस्ट सेकंड नंबर पे जो ऑप्शन आपको दिख रहा है ना, ये भूत हा मतलब भूत वाला, तो ये वाला जो ऑप्शन है ये है गाइस हम लोग का इवेंट, ठीक है? इस पर आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको दिया कलहारी पैच, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि पूरा कलहारी मैप ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले इवेंट में चले जाते हैं, ठीक है? इवेंट में जाके बताता हूँ, उसके बाद कलहारी वाला भी देखेंगे। एंड इसके अलावा देख सकते हो सबसे पहले टॉप अप रिवॉर्ड के बारे में बता दूं, तो देख सकते हो 100 डायमंड
पे गाइस हम लोग को एक बैकपैक की स्किन मिल रही है जो बहुत अच्छी स्किन है। मतलब अगर आपको ठीक है नहीं चाहिए, मान लो आप 400 का टॉप अप नहीं कर सकते हो, तो यार आप 80 रुपीज़ का टॉप अप करके एटलीस्ट ये बैकपैक की स्किन ले लो, बहुत अच्छी स्किन है। इसके अलावा गाइस ये सरबोर्ड की स्किन मेरे को नहीं पता लीजेंडरी है या फिर नॉर्मल है, मेरे को लगता है लीजेंडरी स्किन ही होगी। तो यार जाकर टॉप अप मारो, ठीक है। मैं अभी टॉप अप करूंगा अगर आप कमेंट करोगे, क्योंकि मेरे को इस कैरेक्टर के बारे में आपको डिटेल में बताना है। तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताओ कि स्टेफी के ऊपर आपको सेपरेट वीडियो चाहिए या नहीं। अगर आप लोगों की डिमांड ज्यादा रहेगी तो मैं पक्का वीडियो डालूंगा, ठीक है। तो ये टॉप अप रिवॉर्ड चल रहा है जिसके बारे में आपको पहले ही बता दिया था। इसके अलावा एलाइट पास बैजेस एंड जितना कुछ ये सब पहले वाले पहले के इवेंट्स आपको पता है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप डाउनलोड कस्टम एक्सपेंशन पैक डाउनलोड करोगे आपको तो यहाँ पे 5 गोल्ड रॉयल वाउचर बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे, जिससे घंटा कुछ नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ये बता देता हूँ आपको। और उसके अलावा गाइस यहाँ पे कलहारी पैच आप देख सकते हो, जो पहले वाला था वही चीज़ है। यहाँ पे ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, बस आपको ये बताया जा रहा है कि फुल कलहारी मैप अवेलेबल हो गया है, जिसमें काफ़ी कुछ आपको स्टफ्स देखने को मिलेंगे, कुछ अटैचमेंट्स देखने को मिलेंगी एंड एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो यार देखो काफ़ी मस्त मज़ा आने वाला है। और गाइस कैली के बारे में आपको सेपरेटली बताऊंगा यार, ये सारी वीडियो मतलब ये वीडियो ना अगर कैली भी अटैच कर दे उसमें, ये कैरेक्टर भी अटैच कर दे, वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी मैं क्या बताऊंगा आपको यार। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं गाइस वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके बताओ कि वीडियो बनाऊं कि नहीं इसके ऊपर, मतलब आपको कैली के ऊपर सेपरेट वीडियो चाहिए और जो हम लोग की स्टीफी है उसके ऊपर सेपरेट वीडियो चाहिए, तो कमेंट करके बताओ यार। और वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि इतनी लंबी वीडियो भाई बहुत मेहनत लगी है, तो लाइक कर दो, ठीक है। और गाइस इसके अलावा यहां पे देख सकते हो पैच में क्विज आ चुका है, जिसके अंदर गाइस AR-94 की स्किन मतलब जो क्रेट्स है वो बिल्कुल फ्री में मिल रहे हैं, ये बहुत ही हार्ड लेजेंडरी क्रेट्स है। तो जाके यार क्विजेस खेलो मस्त, आपको यार ये वाले भी क्रेट्स बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे। इसके अलावा गाइस यहाँ पे सारे पुराने अपडेट्स है, न्यूज़ में जाओगे तो यहाँ पे पैच के नोट्स देखने को मिलेंगे, जो नए नए अपडेट्स है वो सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा। AR-94 में चेंज ये हुआ है कि रेट ऑफ फायर बढ़ गया है, रिकॉइल रिकवरी, ये सब मतलब आप जाके पढ़ो, ठीक है, आप खुद पढ़ना, मैं ज़्यादा डिटेल नहीं दूंगा बिकॉज यार ये तो कॉमन चीज़ है, आप जाके पढ़ोगे आपको पता चले AR-94 में रेट ऑफ फायर बढ़ गया, ये बढ़ गया, वो बढ़ गया, तो आपको खुद पता चल जाएगा। मैं अगर सब कुछ बता दूँ ना तो यार फिर मतलब ये वीडियो ना क्या बताऊँ, आधे घंटे की या फिर 2.5 घंटे की, मतलब ऐसे 1 घंटे की ऐसे हो जाएगी, ठीक है, आधे 1 घंटे की वीडियो हो जाएगी, मैं नहीं चाहता इतनी लंबी हो, तो इसलिए मैं आपको सारी चीज़ें नहीं बता रहा, आप जाके देख लेना। उसके अलावा गाइस हैम ऑफ द डेविल आ चुका है, इसके अलावा मेरा फेवरेट गोल्ड रॉयल गाइस गोल्ड रॉयल आ चुका है फाइनली, एंड हम लोग फुल ट्राई करेंगे गाइस आज गोल्ड रॉयल निकालने का, जिसका नाम है नाक्सो एंड आई डोंट नो कौन नाम रखा है इसका, बट ये महिला काफ़ी हॉट लग रही है, तो चलो यार इसको निकालने का फुल ट्राई करेंगे एंड किसी भी तरह से ये वाला बंडल निकालेंगे। इसके अलावा गाइस जो हम लोग का थर्ड नंबर ये तो अपना मिशन वाला मैंने आपको पहले ही बता दिया था, तो इसको कट कर देते हैं। इसके अलावा हम लोग का गिल्ड है, उसके नीचे गाइस हम लोग का जो हम लोग को बताता है मतलब क्वेश्चन मार्क वाला ऑप्शन होता है, जिसमें हम लोग को मैप्स के बारे में डिटेल्स देता है सब कुछ, वो है, ठीक है। उसके अलावा लास्ट में अपना हम लोग का स्ट्रीम वाला, जो काफ़ी कुछ चेंजेस यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हुए, ठीक है, आप लोग से काफ़ी कुछ चेंज हो गया होगा ऐसा कुछ नहीं है। और जो हम लोग का ऊपर देख सकते हो डायमंड टॉपअप वाला बिल्कुल सेम है। और यहाँ पे मेरे को एक अपडेट बहुत गंदा लगा यार, जो कम्युनिकेटिव टॉपअप रिवॉर्ड हटा दिए हैं, मतलब ये गलत बात है यार। एटलीस्ट हम लोग को एक एवोल्यूशन स्टोन तो उसमें मिलता था 1000 डायमंड का टॉपअप करने पर, लेकिन अब वो भी नहीं देंगे यार, फ्री फायर वालों क्या कर रहे हो। और देख सकते हो गाइस प्रोफाइल अब कुछ इस तरह से दिखेगा, देख सकते हो प्रोफाइल में हम लोग जो कैरेक्टर है वो काफी छोटा दिखेगा, मतलब लुल्लू पुल्लू सा बच्चों जैसा कैरेक्टर दिखेगा, देख सकते हो काफी छोटा सा कैरेक्टर है। एंड इसके अलावा गाइस यहां पे देख सकते हो सब कुछ मतलब क्या बताओ पहले जैसा ही है, बस कैरेक्टर को छोटा कर दिया गया है, जो काफी फनी है। तो होप करते हैं गाइस आपको वीडियो पसंद आ रही, तो फटाक से गाइस वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। उसके अलावा गाइस अभी हम लोग बात कर लेते हैं और क्या कुछ अपडेट्स है, तो देख सकते हो फ्रेंड वाला आइकन कुछ इस तरह का हो गया है, अभी फ्रेंड्स में आपको कुछ इस तरह के लुक में देखने को मिलेंगे। एंड इसके अलावा फास्ट टीम का ऑप्शन है, कम्युनिटी टीम का भी ऑप्शन है, कम्युनिटी टीम मीन्स कि आप शेयर कर सकते हो ऊपर जो है आपका निकनेम फाइंड कर सकते हो, मतलब आपको किसी को सर्च करना तो आप निकनेम डाल के फाइंड कर सकते हो, बट आजकल सबके मतलब अच्छे खासे वो वाले नेम रहते हैं ना, मतलब फैंसी नेम, तो उसमें यार कोई फायदा ही नहीं इसका, बट फिर भी है तो है। उसके अलावा गाइस फास्ट टीम में अगर आप जाओगे तो इसके ये सोलो काम करता है फास्ट टीम, ठीक है। उसके अलावा गाइस यहाँ पे गिल्ड का ऑप्शन वही राइट साइड मतलब लेफ्ट साइड में आ गया है, ठीक है, पहले नीचे आता था डाउन एंड कॉर्नर में, राइट हैंड साइड डाउन कॉर्नर में, बट अब यहाँ पे लेफ्ट साइड में हो चुका है। इसके अलावा यहाँ पे एक मतलब टाइमर का ऑप्शन आ गया है, जिसमें आपको मतलब बेसिकली शेड्यूल दिखेगा कि क्या कुछ है, आपको कितने बंदों ने बुलाया, कब खेला आपने, ये सब। तो ज़्यादा कुछ ऐसे मतलब बहुत हार्ड वाला अपडेट नहीं है यहाँ पर। फ्रेंड में बहुत हार्ड वाला अपडेट ये है कि गाइज ऊपर आपको टीम कोड जनरेट का ऑप्शन मिल जाता है, तो अगर आप चाहो तो जनरेट कर सकते हो, जैसे कि मैंने जनरेट किया तो ऊपर मेरे को टीम कोड मिल गया। अब ये टीम कोड मैं किसी को दूंगा तो वो मेरे ग्रुप में डायरेक्टली आ जाएगा विदाउट, मतलब अगर वो मेरा फ्रेंड नहीं भी है फिर भी मैं उसको टीम कोड दिया तो वो मेरे फ्रेंड मतलब यहाँ पे इन ग्रुप आ जाएगा, 3 बंदे आ सकते हैं मेरे साथ, तो ऐसे ये वर्क करता है। बट यार अभी आप नहीं आ पाओगे क्योंकि ये वीडियो बनाते समय मैं बनाया था, टीम कोड जनरेट किया था, अभी मैं ऑफलाइन हूँ, ठीक है, तो अभी आप नहीं आ सकते, ठीक है। तो यार ऐसे करके ये वर्क करता है। उसके अलावा इनवाइट का ऑप्शन के बारे में आपको बाद में बताता हूँ, सबसे पहले मेरे को लक रॉयल चेक करना है, तो चलो यार सबसे पहले लक रॉयल देख लेते हैं।
तो लक रॉयल ऑन करते गए, सामने मेरे को दिख रहा है एक इनक्यूबेटर जिसका ट्रेलर इंट्रो काफ़ी हार्ड है, मतलब हाँ मेरे इंट्रो से ज़्यादा हार्ड नहीं है बट है काफ़ी हार्ड है, ठीक है। तो देख सकते हो जो भी है आपके सामने है। एंड गाइस ये ओबी अपडेट कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी यार ये इंक्यूबेटर के बारे में बात करें तो एफ बिल्डिंग पीछे दिख रहा है, मतलब फ्री फायर वाली बिल्डिंग है। एंड ये जो इंक्यूबेटर है गाइस यहाँ पे इनके सिंग भी निकले हुए हैं, काफ़ी अच्छी बात है। और हेलमेट के ऊपर मतलब यार कौन सा कॉन्सेप्ट है, ये हेलमेट्स के ऊपर सिंग कौन लगाता है? देखो साफ साफ पता चलता है अगर ये सिंग हटा दो तो भाई ये मतलब ये वो क्या है, मतलब एक सड़े हुए बाइक्स होते हैं ना उनके हेलमेट लग रहे हैं मुझे, बस कलर कलर अलग अलग है देख सकते हो। बट कपड़े अच्छे हैं, सीरियसली कपड़े अच्छे हैं, मेरे को हेलमेट का पता नहीं। हेलमेट भी अच्छे हैं, मतलब जो फर्स्ट एंड सेकेंड वाला हेलमेट है ना लिटरली अच्छा है, बट इसके नीचे वाले बंडल्स मतलब सच्ची में साफ पता चल रहा है कैसे बना यार, कैसे डिजाइन हुआ ये हेलमेट, साफ पता चल रहा है कि हेलमेट है एंड ऊपर दो अजीब अजीब टाइप के सींग है, मतलब क्या है क्या ये, ठीक है। इसके बारे में चलो यार मैं बाद में बात करूंगा। अगर बात करें कि बेस्ट कौन है तो सबसे टॉप वाले ही बेस्ट है, मतलब जो नंबर वन वाले ग्रैंड प्राइजेस हैं, मतलब मेल फीमेल दोनों अच्छे हैं। हाँ ये सब भी अच्छे हैं बट इसके हेलमेट मेरे को काफ़ी फनी लगे क्या बोलूँ, आप कमेंट करके जरूर बताना आपको सबसे बेस्ट कौन सा लगा, मेरे को नंबर वन वाला ही बेटर लगा। एंड इसके अलावा लास्ट वाला जो प्रीवियस हम लोग का इनक्यूबेटर है वो भी, अगर आपके पास प्रीवियस वाला एवोल्यूशन स्टोन या ब्लू प्रिंट है, मान लो ब्लू प्रिंट एवोल्यूशन नहीं है तो अभी एवोल्यूशन स्टोन निकालो, अगर निकल गया तो अगर आपको प्रीवियस वाले में से कुछ चाहिए था तो आप ले सकते हो, ठीक है। सीधी सी बात, ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा तो जल्दी से जाके अगर आपको बचा हुआ है आपके पास लास्ट टाइम वाला ब्लू प्रिंट तो आप रिडीम कर सकते हो। उसके अलावा गाइस अगर बात करें यार ये इनक्यूबेटर के अलावा हम लोग बात कर लेते हैं वेपन रॉयल की, ठीक है। वेपन रॉयल की क्या है, मतलब जो वेपन रॉयल है वो चेंज हुआ कि नहीं, तो सीधी आंसर नहीं चेंज हुआ, ठीक है। वेपन रॉयल जरा भी चेंज नहीं हुआ, पुराना वाला ही है वैलेंटाइंस वाला, जो हम लोगों के लिए नहीं है यार वैलेंटाइंस छोड़ो यार, यहाँ पे है। उसके बाद मिलता है गोल्ड रॉयल, गोल्ड रॉयल वाला गाइस यहाँ पे नाक्सो, मतलब इसका नेम तो बड़ा गंदा है बट ये लड़की काफ़ी अच्छी लग रही है, मतलब कतई जहर, बहुत ही हार्ड लड़की दिख रही है यार, मतलब इसके बाल तो काफ़ी वियर्ड है मतलब, हाँ लेकिन कपड़े काफ़ी अच्छे हैं देख सकते हो गाइस, मतलब चलो निकालने का ट्राई करते हैं। मेरे पास है गोल्ड रॉयल वाउचर्स कितने, 81 गाइस, क्या लगता है निकलने वाला है कि नहीं? तो चलो यार मैं डायरेक्टली 10+1 मारूंगा एंड देखते हैं गाइस निकलता है कि नहीं। फटाफट से गाइस नाक्सो कमेंट मार दो यार, जितने लोग देख रहे हो नाक्सो अबे कैसा नाम है यार इसका, अच्छा चलो ठीक है कमेंट कर दो नाक्सो नाक्सो ये मजाक नहीं उड़ाऊंगा वरना देने वाले नहीं है फ्री फायर वाले। चलो यार वापस से हम लोग स्पिन करते देखते मिलता है कि नहीं, मिलेगा 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 नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। और गाइस वापस से करते हैं 10 वाला, ओ भाई इनविजिबल बॉक्स, अबे इनविजिबल बॉक्स आता है यार इसमें, चलो नहीं मिला नहीं मिला नहीं मिला, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अभी और भी हम लोग के पास, मतलब हम लोग हार नहीं मानेंगे, करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, मिलेगा अभी मिलेगा अभी पक्का मिलेगा, अभी नहीं मिला ना छोड़ूंगा नहीं, एक एक को चुन चुन के मारूंगा यार, ये क्या हो रहा है, अबे कब मिलेगा भाई कब मिलेगा, 1 2 3 मिल जा मेरे भाई मिल जा यार, दे भाई नहीं देंगे सब, इतने आसानी से नहीं देने वाले, मेरे को लग रहा है आज मेरे जो ऊपर गोल्ड बचे खुचे हैं ना वो सब भी खत्म होने वाले हैं, तो चलो यार देखते हैं मिलेगा कि नहीं 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 ये गलत है ये गलत है, इसमें मोदी जी का हाथ है सॉरी बट सही में यार ये चीटिंग है यार, ऐसे कैसे क्यों नहीं दे रहा, मतलब 81 से 21 हो गया, रोल नंबर 21 तो अब्सेंट है ना, प्रेजेंट नहीं है। चलो अभी अभी देखो अभी स्पिन करेंगे पक्का, ओ भाई गोल्ड बॉक्स आया, अभी तक बॉक्स नहीं आ रहा था, इस बार बॉक्स आया, क्या लगता है मिलेगा कि नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा कि नहीं, ओ माय गॉड मिल गया, क्या नाम है इसका, फोनिक्स असेसिंस बंडल, ओ फक मतलब रियली यार मेरे को मिल गया गोल्ड रॉयल वाउचर सही मिल गया, कांट एक्सप्लेन माय हैप्पीनेस, क्या मजा आ गया यार, मतलब मिल गया हो मिल गया। गाइस सभी लोग लाइक करो, जितने लोग देख रहे हो यार फटाफट से लाइक करो यार, लाइक बटन दब जाना चाहिए, एम करते गाइस इस बंडल के लिए, एम करते कितने का, 20,000 लाइक्स ज़्यादा है बट कर सकते हो आप, कर सकते हो, करो लाइक करो यार 20K लाइक्स, ठीक है 20K लाइक्स का एम है गाइस, फटाक से आप लोग कंप्लीट कर दो, आई नो आप लोग कर दोगे। और गाइस आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका गोल्ड रॉयल निकला कि नहीं, मेरा निकल गया वो भी विदाउट गोल्ड, मतलब गोल्ड यूज़ भी नहीं हुए गोल्ड रॉयल निकाल दिया मैंने, वाह सैल्यूट। तो चलो ये काफ़ी अच्छी बात है, इसके अलावा देख लेते हैं काफ़ी कुछ है यहाँ पे स्टफ्स हैं तो चलो उनको भी देख लेंगे। और गाइस ये क्लेम कर लिया है मैंने,
इसके अलावा बाकी कुछ नहीं है, और कुछ तो नहीं है। चलो यहाँ पे डायमंड रॉयल पुराना वाला ही है, तो ये तो हो गया अपना। इसके अलावा हाँ, फास्ट टीम के बारे में मैंने आपको बताया नहीं था, तो चलो फास्ट टीम के बारे में आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको देखो इनवाइट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे, तो ये तो पुराना है, बट यहाँ पे अगर अब आप फास्ट टीम करोगे ना सोलो होते हुए, तो यहाँ पे आपको एक बॉक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे बॉक्स में आपको वही नंबर डायल करना है जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, आपको नंबर जनरेट हो जाता है, तो आप अपने फ्रेंड्स या किसी से नंबर मांग सकते हो, या फिर जिसका भी ग्रुप नंबर आप उसको बोलो मैसेज करो, तो वो ग्रुप नंबर डाल के आप आ सकते हो। तो सीधी बात, ऐसे ये वर्क करता है। इसके अलावा गाइज यहाँ पे आपको स्टोर का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। तो चलो अब स्टोर में भी देखेंगे कि स्टोर के अंदर क्या कुछ अपडेट्स है। बाकी यार गेम लॉग भी लिटरली पहले से काफ़ी फाट लग रही है, मतलब बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए, बट यहाँ पे हरे हरे, मतलब क्या है ये हरा हरा, जो भी है फ्लोर पे गिरा दिया, गंदगी कर दी, बट अच्छा लग रहा है, चलो ठीक है, कुछ चेंज हुआ। अब स्टोर की बात करते हैं, स्टोर में क्या कुछ है। तो स्टोर में देख सकते हो गाइज यहाँ पे फॉर यू में कुछ भी नहीं है, न्यू वाले सेक्शन में देखते हैं क्या है। न्यू वाले सेक्शन में कुछ ना कुछ तो न्यू होना चाहिए, तो चलो न्यू में देखते हैं क्या है। घंटा, घंटा कुछ नया नहीं है, मतलब ये एलवारो कैरेक्टर का बंडल के अलावा कुछ भी नया नहीं है यार, चल क्या रहा है ये, पैसे वापस चाहिए मेरे यार ये चीटिंग है, कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं है, सब पुराना है, सबका सब पुराना है। ये स्टोर अपडेट ही नहीं हुआ, मतलब कुछ ना इमोट है ना कुछ है यार, चल क्या रहा है भाई, मतलब कुछ अपडेट्स नहीं है इसमें स्टोर में यार। आर्मरी में पुराना, ये भी पुराना पुराना अरे भाई चल क्या रहा है, ये रिडीम में पुराना है, कुछ नहीं, कोई बंडल नहीं, मैजिक क्यूब भी खाली, रैंक टोकन में कोई बंडल नहीं यार, देख लो रैंक टोकन में इमोट तक नहीं आया, एफएफ टोकन में कोई बंडल नहीं है अरे भाई मारो मुझे मारो यार कहाँ चले गए सब के सब, सारे के सारे बंडल्स, मतलब हर बार नया आता है ना बंडल एफएफ टोकन में, कहाँ आया, इस बार भी नहीं आया यार, कैसा हो भी अपडेट, मतलब दो महीने में एक अपडेट आता है, आपकी बार तो तीन महीना ले लिया, तीन महीने बाद एक अपडेट आ रहा है, उसमें भी गाइस कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, वाई वाई फ्री फायर गरीना वाई बाय द वे देख सकते हो एफएफ टोकन मेरे पे कितने सारे थे, सारे के सारे लग गए, मतलब 800 एफएफ टोकन मैंने वेस्ट कर दिए, और मेरे को मिला क्या, घंटा कुछ नहीं मिला यार, मतलब घंटा नहीं, मतलब मिला ये वाउचर्स मिले, बट यार 800 में 20 वाउचर कहाँ का इंसाफ है ये चलो कोई ना, स्पिन करेंगे उससे, डायमंड रॉयल निकालेंगे, अभी वाला नहीं अगला वाला, ठीक है अगला वाला निकालेंगे, बचा के रखते हैं ठीक। उसके अलावा यहाँ पे वेपन वाउचर भी ले लेते हैं, मेरे पे गिल्ड टोकन काफ़ी सारे गिल्ड टोकन्स हैं, तो ले लेते हैं फटाफट से। और भाई साहब ये भी आ गया नेम कार्ड, अभी गाइज मेरे पास करंटली इतने नेम कार्ड्स हैं कि मैं क्या बताऊँ, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मेरे को नेम चेंज भी नहीं करना, मेरे को यही रखना है, फिर भी नेम कार्ड बारिश हो रही है मेरे पे, काश ऐसा होता गिफ्ट कर पाता यार, मैं कितना भला काम करता, मेरे को दुआएं मिलती चलो कोई ना, नया कैरेक्टर आ चुका है, मतलब आ चुकी है, चलो इसके बारे में बात कर लेते हैं। इनका नाम है स्टीफी, तो स्टीफी काफ़ी हॉट है, मतलब हॉट गर्ल है ये, काफ़ी क्यूट है ठीक है। तो चलो स्टीफी के बारे में हम लोग बात करेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हो गाइस स्टीफी काफ़ी कूल है, काफ़ी कूल। इनके हाथ में एक स्प्रे भी है जो काफ़ी मस्त सा आर्ट पेंट करता है, और देखो सेक्सी भी है ये स्टीफी, मतलब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जितने नेम्स आएंगे वो सब है स्टीफी। तो जो भी है मैंने आपको बता दिया स्टीफी कैरेक्टर आने वाली है, मेरे को पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, और ये पता नहीं क्या है भाई, मतलब क्या है ये, लोड कितना करेगा इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा ठीक है, सेपरेट वीडियो में, स्टीफी कैरेक्टर क्या है कैसे वर्क करता है। बाकी लोडिंग देख सकते हो क्या, मेरा वाईफाई इतना तगड़ा है मतलब, और फिर भी लोड कर रहा है, ये गेम का ग्लिच यार, अपडेट के बाद ऐसा ही होता है। और उसके अलावा गाइस पेट के बारे में बात कर लेते हैं, पेट में गाइस एक नया चीज आ चुका है जिसके बारे में आपको नहीं पता, बट मैं बताऊंगा, जबरदस्ती बताऊंगा, ऐसे कैसे नहीं जानोगे यार। यहाँ पे गाइस अब से आप क्या कर सकते हो, अब आप पेट्स के जो हम लोग के स्किल्स होते हैं, पेट्स के स्किल्स, हम लोग के नहीं पेट्स के, तो पेट्स के स्किल्स गाइज आप कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब एक को दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे आपके पास जो स्किल है पेट में उसको आप हटा के दूसरे पेट का स्किल अपने उस वाले पेट में लगा सकते हो। वाह क्या मस्त एक्सप्लेन किया आज घंटा, मतलब सीधी सी बात आपको पता चल गया होगा कि पेट का जो स्किल होता है वो दूसरे पेट से होते हैं। कभी कभी होता है कि आपको पांडा का स्किल पसंद है बट आपको यार यूज़ करना है, मान लेते हैं शिबा, तो आपको शिबा में यूज़ करना है, तो यार कैसे यूज़ करोगे पांडा का स्किल, तो इस वजह से यार मतलब आप तो शिबा कभी यूज़ ही नहीं कर रहे, पूरा फ्री फायर मतलब आधा फ्री फायर पांडा ही पांडा यूज़ करता जा रहा है, तो इस वजह से यार नया आया। उसके अलावा गाइस यहाँ पे नया पेट आ गया है जो बिल्कुल गोलू मोलू सा है, काफ़ी क्यूट है यार, ये पेट है कि वाटर बलून है अरे यार काफ़ी क्यूट पेट है, सीरियसली काफ़ी अच्छा लग रहा है।
बट जो भी है मैं इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, अगर आप कमेंट करोगे गोलू मोलू बाबू जो भी है ये छोटा सा, इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो ये था गाइस हम लोग का पेट में अपडेट कि एक नया पेट आ चुका है, इसके स्किल के बारे में भी मैं आपको सेपरेटली बताऊंगा, ठीक है। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना, अभी बात करते हैं लास्ट ऑप्शन के बारे में जिसका नाम है कलेक्शन। कलेक्शन के बारे में काफ़ी सारे लोग सोच रहे हो क्या अपडेट है। कलेक्शन में अपडेट ये है कि यहाँ पे जो मतलब जो चीज़ है ना वो इतनी बड़ी कर दी गई कि मैं क्या बताऊँ कितनी बड़ी है। मतलब स्क्रॉल करते करते मतलब 10 साल बीत जाएंगे तब भी आप स्क्रॉल करते रहोगे। मेरा वेपन वाला वे कितना स्क्रॉल करूंगा मैं, पता है आपको कितने सारे वेपन्स है, मैं स्क्रॉल ही करता रह जाऊंगा पूरे दिन। बट जो भी है मैंने आपको दिखा दिया फास्ट फॉरवर्ड करके, जो भी है अभी गाइस यहाँ पे मेन चीज है इमोट्स। इमोट्स कौन कौन से आए हैं, अगर आपने ओबी वाला अपडेट जो था एडवांस सर्वर वाला अगर आपने नहीं देख रखा है तो क्या देखा आपने, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, मैं ओबी अपडेट या फिर जो अपडेट आता है बता देता हूँ। यहाँ पे सबसे नीचे जाओगे आपको एक यहाँ पे गुलाबी दिल वाला इमोट देखने को मिलेगा, और ये देख सकते हो गाइस ये सारे सिंगल लौंडे यही यूज करने वाले गुलाबी दिल, क्योंकि एक भी बंदी किसी की है नहीं। और इसके अलावा यहाँ पे ये वाला इमोट एक बार वापस यूज करते हैं, ये ओए ओ क्या एटीट्यूड है बे, ये लड़कियों को नहीं मिलना चाहिए गरीना फ्री फायर, अगर ये किसी लड़की को मिला ना तो गलत हो जाएगा यार। एक तो पहले एटीट्यूड रहता माइक ऑन करना नहीं किसी लड़की को, ऊपर से ये जैसे ही हम लोग ग्रुप में गए बोले हे हेलो माइक ऑन करो, ये वाला इमोट। उसके बाद मत पूछो, छोड़ो। अभी गाइस बात करते हैं उसके अलावा कुछ अपडेट्स के बारे में, तो उसके अलावा कुछ अपडेट्स है गाइस यहाँ पे कोई अपडेट नहीं है, सब पुराना है, कोई अपडेट नहीं है। अभी एक चीज करना है यहाँ पे देख सकते हो, जो हम लोग का मोड्स है उसके बारे में बात करना है, जो मोड्स है। तो मोड्स में गाइस हम लोग का एक मोड बहुत ही दुख की बात है, एक मोड हटा दिया गया है। एक सेकंड मैं आपको दिखा देता हूँ, उसका नाम है गाइस परगेट्री, क्लासिक परगेट्री, जो गाइस 12 बजे से स्टार्ट होता है रात 12 बजे तक, रोज रात 12 बजे ओनली ऑन जी टीवी, सॉरी मतलब जो फ्री फायर में 12 बजे से स्टार्ट होता था दोपहर से, तो वो वाला मोड हटा दिया गया है। बट सैड होने की कोई ज़रूरत नहीं है, रैंक में अवेलेबल है, कस्टम में अवेलेबल है, ठीक है, तो वहाँ से जाकर आप खेल सकते हो। बट अभी हम लोग खेलने वाले हैं क्लासिक बरमूडा खेलेंगे, ठीक है। इसके अलावा गाइस यहाँ पे लोडिंग स्क्रीन देख सकते हो, आपके सामने काफ़ी हॉट सी बंदी है जिसका नाम है कैली, इसको काफ़ी चेंज किया गया है, यहाँ पे दो नाखून भी मार दिए इसने पता नहीं क्यों अपने गाल पे, बट जो भी है हॉट काफ़ी लग रही है, बाल भी कलर करवा लिए, मतलब पैसे वाली बन गई लग रहा है, बट कोई ना। तो यहाँ पे देख सकते हो गेम स्टार्ट हो गया, और यहाँ पे मेरे को बताया जा रहा है ऐसे खेलना है उंगली से, ठीक है मेरे को पता नहीं था, मैं तो नाक से खेलने वाला था, बट चलो अच्छा है बता दिया फ्री फायर वालों ने। और गाइस यहाँ पे देख सकते हो जलती हुई कार भी आ चुकी है, जैसा कि लास्ट अपडेट में मैंने आपको बताया था एक जलती हुई भभकती वाली आग भभकती वाली कार आने वाली है, आ गई, ठीक है, ये आपको लॉबी में देखने को मिलेगा, पूरा लॉबी इसी के ऊपर चढ़ जाएगा, आई डोंट नो बट एक बार ट्राई करना, पूरे लॉबी जितने लोग देख रहे हो ना वीडियो, अब इसे जो जाएगा ना इसी कार के ऊपर चढ़ेगा, पूरा लॉबी चढ़ जाना चाहिए इस कार के ऊपर। तो जो भी है मैंने आपको बता दिया, तो अगर यार वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दो यार ना, कर दो लाइक, क्या कर रहे हो, कर दो, अभी तक आपने नहीं किया लाइक, ठीक है कर दिया, आई नो जानता हूँ कर दिया, आप लोग अच्छे हो, ठीक है, जो लाइक नहीं करेगा उसकी बंदी नहीं फंसने वाली, और खासकर फ्री फायर में तो बिल्कुल नहीं, तो लाइक कर देना यार, ठीक। तो देख सकते हो प्लेन भी चेंज हो गया, कलर वलर करवा दिया मैंने, ठीक है, होली आ रहा है तो होली के सारे कलर गाइस आप लोगों ने प्लेन के ऊपर ही फेंक डाले, बट यहाँ पे देख सकते हो फाइनली पेंट हो गया है, डोंट वरी। और जैसा कि आपको अपडेट के बारे में बताना था, तो चलो मैं आपको यहाँ फैक्ट्री पर ही दिखा देता हूँ। तो यार देखो जिसको जानना है मैप में क्या कुछ चेंज हुआ है, ऊपर आई बटन पे क्लिक मारो, वीडियो देखो, ठीक है, ऊपर आई बटन पे क्लिक करके एक वीडियो मैंने डाली है, 5 things यू डोंट नो अबाउट फ्री फायर का पार्ट नंबर 6 जो था, उसमें मैंने आपको बताया था कि ओबी 90 में जो था वो चेंज करके ओबी 20 में क्या हुआ, तो जाकर वो वीडियो देखो, क्या कर रहे हो बे, क्या मतलब सॉरी क्या कर रहे हैं सर आप, प्लीज़ जाइए उसको देखिए, मैम सर जो भी हैं आप प्लीज़ जाकर वो वीडियो देखिए रिस्पेक्ट के साथ, ठीक, उसमें मैंने आपको बताया है कि फैक्ट्री कैसे चेंज हुआ, क्या कुछ चेंज हुआ, ठीक, तो वो जाकर प्लीज़ वो वीडियो देखिएगा, मेरी रिक्वेस्ट आपसे। और गाइस जिन्होंने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है ना, अबे मर जाओ, इतने बार बोल चुका हूँ लाइक कर दो, लाइक कर देना, ठीक है, तो लाइक कर देना। और बाकी चेंजेस देख सकते हो फैक्ट्री में, ये सब चेंजेस है, ऊपर वाले साइड में जो एक बड़ी सी चिमनी थी उसको हटा के 2 चिमनी कर दिया गया है, वो भी कवर्ड वाली, और उसके नीचे कुछ यहाँ पे खंभे भी ऐड कर दिए गए जिससे आपको कवर मिले, बाकी सामने एक बंदा था मैंने इसको तोड़ डाला, काफ़ी मस्त वाला, तो देख सकते हो यही है, अभी जाके वो वीडियो देखना आपको पता चलेगा क्या कुछ अपडेट थे। तो चलो यार वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, आशा करता हूँ आपको अपडेट अच्छा लगा होगा, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ लाइक कर दो अभी भी अब मैं रो दूंगा, लाइक कर देना,
एक कमेंट जरूर करना, बहुत देर से बोल रहा हूँ ठीक है, इतना बक बक कर दिया कि अब आपको यार कमेंट करना तो बनता है ठीक, कमेंट कर देना, याद से कमेंट कर देना। बाकी जिन्होंने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया ना तो यार क्या कर रहे हो भाई, फॉलो करो, इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, @HarshChaudharyOfficial मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, जाके फॉलो कर लेना, प्रोनेशन का है ProNationYT, तो जाके दोनों को फॉलो करो ठीक है, प्लीज़ फॉलो कर लेना याद से, क्योंकि वहाँ पे अब गिव अवेज भी मैं प्लान कर रहा हूँ तो जल्दी उसकी अपडेट्स भी वहीं पे दे दूंगा ठीक है, तो गिव अवेज भी वहीं पे होंगे। बाकी जिन्होंने अभी तक ना सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को आल पे सेलेक्ट कर देना। बाकी जाते जाते एक बात बता दो कि इंस्टाग्राम पे जितने भी DMs आने चाहिए सारी लड़कियों के DMs आने चाहिए। अबे साले, बाय गाइस। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then.